हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं बियर्ड ग्रोथ के बारे में। तो दाढ़ी मूछ का ना होना या बहुत कम होना, दोनों ही किसी बॉयज के लिए चिंता का विषय है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में जिनको प्रेस करके आप दाढ़ी मूछ की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसके बाद कॉल ऐसे आते हैं कि कितना दाढ़ी मूछ बढ़ जाएगी, तो इस तरीके का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके बहुत लंबी लंबी दाढ़ी मूछ आ जाएंगी, पर एक नॉर्मल पर्सन की जो ग्रोथ होती है, एक नॉर्मल पर्सन जिसकी हार्मोन्स बैलेंस है, उसका बॉडी बैलेंस है, तो उस नॉर्मल ग्रोथ को हम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दाढ़ी मूछ की ग्रोथ के पीछे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सो 15 से 16 साल की उम्र के बाद, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों की ही बॉडी में काफी सारे हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर बॉयज की बात करें तो उनकी बॉडी जो है वो गठीली हो जाती है, मसल्स बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, दाढ़ी मूछ ग्रो करने लग जाती है। तो इन सब के पीछे जो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो अगर बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, कम बन रहा है, उसका सिक्रीशन प्रॉपर नहीं है, टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो उसकी वजह से भी जो दाढ़ी मूछ की ग्रोथ है उस पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन की जांच करवा सकते हैं अगर दाढ़ी मूछ नहीं आ रही है या बहुत कम बन रही है। इसके अलावा जीन्स पर भी डिपेंड करती है, जेनेटिक होती है ये प्रॉब्लम, हेरिडिटरी होती है। पेरेंट्स की हेयर ग्रोथ अच्छी है तो बच्चे की हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहती है, या फिर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे पर पूरे बाल नहीं आते या फिर एक समान बाल नहीं आते, तो बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि आपके चेहरे पर भी पूरी एक समान बाल नहीं आते, पूरी दाढ़ी नहीं आती। इसके अलावा फूड एंड लाइफस्टाइल भी इसका एक रीजन हो सकता है। अगर आपका फूड प्रॉपर नहीं है, आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, या आपके फूड में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपके जो हेयर ग्रोथ है, जो चेहरे की हेयर ग्रोथ है, वो एक समान नहीं है या बहुत कम है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने के साथ साथ मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप अपने फूड एंड लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान दीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए प्रोटीन डाइट लीजिए, इसके अलावा विटामिन मिनरल्स अपने भोजन में भरपूर शामिल कीजिए। तो फूड को डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट, कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको आपको प्रेस करना है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है LU7। सबसे पहले देख लेते हैं उसकी लोकेशन, हैंड के बैक साइड, एंड हम दूसरे हैंड से इस तरीके से यहां से उसको लॉक करेंगे। तो देखिए, जहां पर हमारी इंडेक्स फिंगर, बहुत ज्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, नॉर्मली मैंने इसको इस तरीके से किया है, बैक साइड एंड दूसरे हैंड से इस तरीके से। तो जहां पर हमारी इंडेक्स फिंगर टच करती है वहां पर हमारा पॉइंट आ जाता है LU7। यहां पर कॉर्नर पर ये हमारा पॉइंट आ जाता है LU7। अंगूठे की तरफ है ये पॉइंट, यहां पर हमारा पॉइंट आ जाता है LU7। सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा पैरों में, पॉइंट K6, किडनी मेरिडियन का पॉइंट है ये। तो ये देखिए अंदर की तरफ आता है, ये देखिए अंगूठा, अंगूठे की तरफ आता है ये पॉइंट, ये एंकल ज्वाइंट, एंड एंकल ज्वाइंट के सेंटर में ये देखिए, अगर एक अंगूठा रख दिया जाए, जहां पर एंकल ज्वाइंट खत्म होता है वहां पर अगर हम एक अंगूठा रख दें, तो जहां पर अंगूठा खत्म होता है वहां पर ही आता है हमारा पॉइंट K6। तो जिस भी व्यक्ति का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखिए उसी के हाथ का अंगूठा आपको रखना है, डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसी के हाथ का अंगूठा आपको यूज करना है। जहां पर अंगूठा खत्म होता है वहीं पर हमारा पॉइंट आ जाता है पॉइंट K6। तो ये तो हो गई पॉइंट की लोकेशन। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है, हम लेंगे क्लस्टर मैग्नेट। देखिए इस तरीके का क्लस्टर मैग्नेट होता है जो एक तरफ से पॉइंटेड एंड दूसरी तरफ से प्लेन होता है ब्लैक कलर का। तो ये देखिए पेपर टेप पर इस तरीके से मैग्नेट को चिपका लेंगे एंड यहां पर हम इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे। सो ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। जिस भी पेशेंट का आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसी के अंगूठे से आपको मेजरमेंट लेना है, और इसके साथ साथ पॉइंट K6 को आपको लगाना है राइट लेग में, राइट फुट में। अब बात कर लेते हैं LU7 पर ट्रीटमेंट कैसे देना है। ये देखिए LU7 है, सामने की तरफ से थोड़ा सा विजिबल होता है। इस पर भी आपको लेना है एक क्लस्टर मैग्नेट पेपर टेप के ऊपर चिपकाते हुए, और इस तरीके से पॉइंटेड पार्ट को चिपका देना है इसके ऊपर। सो फाइनली अप्लाई करने का तरीका देख लीजिए, लेफ्ट हैंड में अप्लाई करना है आपको पॉइंट LU7 एंड राइट लेग में अप्लाई करना है आपको पॉइंट K6। सो रात में सोने से पहले आप इनको अप्लाई कर लीजिए एंड सुबह उठने के बाद आप इनको निकाल सकते हैं। तो डेली आपको 7 to 8 आवर्स इनको अप्लाई करके रखना है। तो लगाते वक्त सबसे पहले आप हाथ के पॉइंट को लगाएंगे एंड उसके बाद पैर के पॉइंट को लगाएंगे, एंड निकालते वक्त आप सबसे पहले पैर के पॉइंट को निकालेंगे एंड उसके बाद हाथ के पॉइंट को निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है।
सो आप रात में नहीं लगाना चाहते तो आप दिन में भी लगा सकते हैं, लगा के रखें इन पॉइंट्स को, क्योंकि यहाँ पे कोई हैंड वॉश भी नहीं होता है तो कहीं उतरने का भी कोई चांस नहीं है। आप इन पॉइंट्स को लगा कर रखिए। बस लगाते वक्त सबसे पहले हाथ के पॉइंट को लगाइए एंड पैर के पॉइंट को लगाइए, एंड उतारते वक्त सबसे पहले पैर के पॉइंट को उतारिए एंड उसके बाद हाथ के पॉइंट को उतारिए। तो आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से डैडी मूछ नहीं आ रही है या फिर जीन्स की वजह से हेरिडिटरी आपको डैडी मूछ नहीं आ रही है, दोनों ही केस में ये काम करता है, आप जरूर अप्लाई कीजिए। इसके अलावा अपने फूड एंड लाइफस्टाइल पर जरूर ध्यान दीजिए। सो बहुत ही गजब का ट्रीटमेंट है ये, इसे जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने रिजल्ट हमें जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके की उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।